चकधरपुर रेल हादसा मामले का अपडेट बता देते हैं। हादसे के बाद डिब्बों को हटाने का काम अभी भी जारी है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर अभी भी परिचालन ठप है। आज थर्ड रेल लाइन क्लियर होने की संभावना जताई जा रही है। बाकी रेल ट्रैक को ठीक करने में और भी वक्त लगेगा, क्योंकि आपको बता दें कि कल ही यहाँ पर हादसा हुआ था जिसमें हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है हादसे का शिकार हो गई थी। 18 कोच पटरी से उतर गए थे, ऐसे में अब उन कोचों को वहां से हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज थर्ड रेल लाइन जो है उसे ठीक कर लिया जा सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जो बाकी के रेल ट्रैक हैं उसे ठीक करने में वक्त अभी भी लगेगा, क्योंकि इससे पहले वहां एक माल गाड़ी भी डिरेल हुई थी और माल गाड़ी के वैगन से टकरा कर ही हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हुई थी। तो अब वहां से सबको हटाना, कोच को हटाया जाएगा और उसके बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मति की जाएगी, तो ऐसे में इसमें और वक्त लग सकता है। तो चकधरपुर रेल हादसा से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ताजा अपडेट आपको बता दें। अभी भी ये जो रेलवे ट्रैक है वहां पर परिचालन ठप है। हादसे के दूसरे दिन भी कोच को हटाने का काम जारी है, डिब्बों को हटाया जा रहा है ताकि जो ट्रैक है उसे दुरुस्त करके परिचालन ठीक किया जा सके। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और सदन में कई राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के हम हंगामेदार होने के आसार अभी से ही जताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लगातार तीन दिन तक जो तस्वीरें सामने आई झारखंड विधानसभा की, उसमें पक्ष और विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर एक दूसरे के साथ ही उलझे नजर आए और प्रदर्शन का भी माहौल देखने को मिला। आज मानसून सत्र का चौथा दिन है, सदन में कई राजकीय विधेयक आज पेश किए जाएंगे। हालांकि आज भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ बीजेपी कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है, सरकार को जनता से किए गए वादे याद दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कई सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहा है और साथ ही साथ हंगामा का दौर भी जारी है। और सिर्फ सदन में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्षी लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और न्यूज इंडियन संवाददाता अविनाश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज चौथा दिन, तीन दिन की तस्वीरें हमने देखी, हर दिन हो हंगामा, आज क्या उम्मीद जताई जाए? आज भी उससे ज्यादा की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तैयारियां हैं और जिस तरह से कल सदन के अंदर भी विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की जो तल्खियां दिखी, वो कहीं ना कहीं आज सदन के अंदर फिर से एक बार दोहराई जा सकती है। सदन के बाहर की भी हम आपको तस्वीर दिखाएं, यहां शुरुआत हो गई है, बीजेपी के विधायक यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने देखिए सभी अलग अलग मुद्दे हैं, मनरेगा कर्मियों का मुद्दा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रसोईया का मुद्दा है, पारा शिक्षकों का मुद्दा है, सहायक पुलिस कर्मियों का मुद्दा है, होमगार्ड का मुद्दा है, पोषण सखी जल सहिया कंप्यूटर कर्मी, और ऊपर जो लिखा है भ्रष्ट निकम्मी झूठी लुटेरी और युवाओं को ठगने वाली सरकार। अभी खुली रहा, देखिए बैनर कितना बड़ा है, ये बैनर जो बनाया गया है ये इसी हिसाब से बनाया गया है कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो जब यहाँ खड़े हों इनके ठीक पीछे, तो ये सारे मुद्दे जिनको लेकर सदन के बाहर और अंदर लगातार बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के विधायकों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से परिलक्षित हो। और देखिए सदन के अंदर की जो कल तस्वीरें देखने को मिली, और खासकर अगर हम फिर से एक बार आपको कहें कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष की जो तल्खियां थी, जो संवाद हुए और अध्यक्ष ने जो आपत्ति जताई कि आप उंगली उठाकर बात नहीं कर सकते हैं, और इधर से जवाब में कहा गया कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप मीठा जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो ये जो तल्खियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरे अगर हम मानसून सत्र की बात कर लें तो ये देखने को मिल रही थी, इसी की आशंका भी थी और यहाँ वो दिख भी रही है। संख्या आपको यहाँ आज विधायकों की थोड़ी कम इसलिए भी दिखेंगी क्योंकि
राजभवन में नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण हुआ है अब से कुछ देर पहले, और बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, वो तमाम लोग वहां गए थे। जो विपक्ष के विधायक हैं, यहां बीजेपी के विधायक आपको यहां दिख जाएंगे, मुख्य सचेतक से लेकर सभी लोग। तो ये तस्वीरें हैं, हम बात भी करेंगे, जरा शुरुआत भी करें। विरंची जी, बहुत लंबी बैनर आप लोगों ने बनाई है, मुझे लगता है कि जितने लंबे, बहुत सारे मुद्दे लंबी थे, उसी हिसाब से आपने बनाया। बहुत लंबा घोटाला 5 साल में किया हेमंत सरकार ने, तो उनके घोटालों के सामने हमारा बैनर बहुत छोटा है। जितने भी नौजवानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, पारा शिक्षकों को ठगा, संविदा कर्मियों को ठगा, होमगार्ड को ठगा, सहायक पुलिस कर्मियों को ठगा, कोई ऐसा नहीं सगा जिसको हेमंत ने नहीं ठगा। तो आज इसी नौजवानों के, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं 5 लाख, उनको लाठी मार रहे हैं, जो कह रहे हैं परमानेंट करो तो लाठी मार रहे हैं, माथा फाड़ रहे हैं, उन्हीं सारे विषयों को लेकर आज हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये प्रदर्शन जारी भी है। अपर्णा जी, आपसे कुछ देर पहले अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर भी बैठी थी अपर्णा जी, आपने अपने क्षेत्र के 2 मुद्दों को उठाया था, स्वास्थ्य जो वहाँ पर अस्पताल। बिल्कुल अविनाश, और देखिए ये सब तो ठीक है, मुद्दे उठाए जाएं, प्रदर्शन किया जाए, विपक्ष सरकार उघेरेगा, लेकिन साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं वो भी सदन में उठे, इस पर इसका भी ध्यान देना होगा। आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे वापस भी अपडेट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। बढ़ते हैं आगे, और अब बात अगली खबर की। झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार ने शपथ ली है, और आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद ने उन्हें राजभवन में राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब राज्यपाल शपथ ग्रहण कर रहे थे, संतोष गंगवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अब झारखंड के नए राज्यपाल हैं, 12वें राज्यपाल के तौर पर उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। आपको बता दें कि संतोष गंगवार मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। 1977 से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, और 1989 में सबसे पहले ये सांसद बने, और उसके बाद देखे 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उसमें मंत्री रहे, 2017 में श्रम और रोजगार मंत्री इन्हें बनाया गया, मोदी 2.0 में भी मंत्री बनाए गए थे। तो एक लंबा राजनीतिक सफर भी इनका रहा है, जिसका फायदा अब झारखंड को भी मिलेगा, झारखंड की संस्कृति और उसकी पहचान को आगे बढ़ाने में अब संतोष गंगवार, जो झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, वो उनका योगदान भी देखने को मिलेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जब संतोष गंगवार 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे थे। और देखिए बीजेपी में इनका बहुत बड़ा, बीजेपी के साथ ये जुड़े रहे हैं शुरू से, और उनका एक लंबा राजनीतिक सफर करियर भी रहा है, और ऐसे में जो उनका अनुभव है उसका फायदा झारखंड